सो है a a so, hey आज का ये वीडियो होने वाला है टॉप फाइव ब्यूटीफुल एंड बेस्ट एक्वेडियम शार्क जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए आपके एक्विडियम में रख सकते हैं कोई पॉइंट का दरकार नहीं है कोई बड़ा सा एक्विडियम का दरकार नहीं है ज्यादा से ज्यादा पाँच फुट एक्वरिया में आप लोग लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि शार्क फिश बहुत ही डिमांडेड है अभी का मार्केट में क्योंकि शार्क फिश जो है बहुत ही तेजी से बना होता है उसका ग्रोथ रेट जो है बहुत ही फास्ट है इसलिए गाइस आज मैं सोचा चलिए शार्क फिश के ऊपर बना देता हूं और गाइस कल मैं मोस्ट प्रोबेबली बर्ड्स के ऊपर अपडेट दूंगा क्योंकि मैं एक अपडेट तो दूंगा एक खुश का भी अपडेट है थोड़ा दुख का भी अपडेट है क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है बर्ड्स लोग के साथ पर ठीक ही है सो सो गाइस गाइस उसका अपडेट तो कल आएगा so आज का वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले ये को एक लाइक लाइक कर देना के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर भी होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस बेसिकली आज मैं पांच फिशेस बताऊंगा सो so उनमें से पहला नंबर में जो है वो है सिल्वर सार्क या फिर बाला सार्क गाइस सिल्वर सार्क और बाला सार्क अभी का बाजार में बहुत ही हाई डिमांडेड हो गया है पहले क्या डिमांडेड था रेनबो शार्क अभी जो है सिल्वर शार्क बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मार्केट में सो गई सिल्वर शार्क के लिए बेसिकली आपको हार्ड टू हार्ड थ्री फीट टैंक में आप लोग रख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम हाइट जाता है वो लगभग वन पॉइंट टू या फिर वन फीट तक जाता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता यही साइज़ होता है मैक्सिमम और जो है ये फिफ्टीन टू सिक्सटीन ईयर्स आराम से झीलेगा अगर आप लोग ठीक से रखें मेंटेनेंस ठीक से हो तो ऑब्वियसली झीलेगा बेसिकली टैंक मेट्स का बात करूँ तो रेनबो शार्क कॉरिडोराज ये एंजल फिश ये सबके साथ आराम से रह जाएगा और गाइस चलिए नेक्स्ट फिज को बढ़ते वो है इरीडिसेंट सार्क इरीडिसेंट सार्क का एल्बाइनो वर्जन भी है इरीडिसेंट भी है टाइगर सार्क भी बोलते हैं बहुत कोई सो इसडिसेंट सार्क का जो है मैक्स टू मैक हाइट चला जाएगा थ्री फुट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा उससे कम भी हो सकता है पर ज्यादा जाने से आप ज़्यादा तो नहीं जाएगा थ्री फुट तक जाने से आपको बहुत ही हाई लेवल मेंटेनेंस रखना होगा मैक्सिमम इसके लिए फोर फुट या फिर फोर पॉइंट फाइव फुट एक्वेरियम ठीक होगा क्योंकि थ्री फीट इतना जल्दी बड़ा नहीं होता है पॉन्ट छोड़ के सो क्या बेसिकली ठीक होगा इसका टैक्मेंट्स का बात करूँ तो मोस्टर के साथ भी रह जाता है नॉन मोस्टर के साथ भी रह जाता है बेसिकली ये जो शार्क है ये किसी को उतना ज़्यादा अटैक नहीं करता है नेक्स्ट फीट जो है वो है हाई फिन शार्क हाइफिन शार्क बहुत ही एक सुंदर मेरा पसंदीदा फीजर क्योंकि उसका बॉडी में जो ब्लैक स्ट्राइप्स है ना बहुत ही मस्त लगते हैं मेरे को पर्सनली देखने में और हाइफिन शार्क बहुत ही सुंदर देखने में भी होता है हाइफिन शार्क का भी अगर मेंस का बात करूँ तो दूसरा शार्क के साथ ऑब्वियसली रह जाएगा छोटा मोटा फीजर्स के साथ भी रह जाएगा ये जो है मैक्स टू मैक्स वन फीट तक जाएगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसका अगर लाइफ स्पैन का बात करें तो लगभग सिक्सटीन सेवेंटीन या फिर लगभग अप्रॉक्स ट्वेंटी ईयर्स तक झीलेगा क्योंकि गाइस बहुत ही हार्डी होता है इतना जल्दी मरता भी नहीं है और गाइस ये सब जो आज मैं शार्क बोल रहा हूँ इसमें से फाइव शार्क ही पेलेट फीडिंग लेते हैं पर आप लोग अगर उसका टैंक में लाइव फीडिंग दे दे का हैबिट डाल दिए तो लाइव फीडिंग भी लेगा क्योंकि मेरा जो आईडी शार्क था इवन मेरा रेनबो शार्क भी जो पहले था वो भी सब लाइव फीडिंग लेता था पहले पहले पे, पेलेट लेता था उसके बाद में आर के साथ रखा एरोवाना के साथ रखा तो वो लोग को जब मतलब आर और एरोवाना को जब मैं फीडिंग देता था, था वो लोग भी खाना स्टार्ट कर दिया था तो नंबर फोर में जो है बहुत ही खूबसूरत रेनबो शार्क रेनबो शार्क का भी एल्बाइनो वर्शन है दोनों ही सुंदर देखने में होता है ये भी मैक्स टू मैक्स वन फीट तक जाता है या फिट बोल सकते उसे ज्यादा नहीं भरा होता है और ये जो है पांच छह साल तक जीता है सबसे कम लाइफ स्पैन इसका ही है तब भी अगर ठीक से रखा जाए मतलब ये सब देखिए ये जो रेनबो शार्क है ना इसको अगर आप लोग प्लान्ट टैंक में रखेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छे एनेंस होगा इसका जो फिंस है बहुत ही डीप रेड होगा इसका जो बॉडी ब्लैक अगर है तो पूरा डीप ब्लैक होगा अगर अल्बाइन हो जाए तो पूरा जो क्रीम कलर होता है व्हाइट भी नहीं बोलूंगा येलोइश क्रीम कलर होता है ना वो भी बहुत डीप होगा आग जो है पूरा एकदम लाल हो जाएगा डीप रेड हो जाएगा तो गाइस ये जो है बेसिकली प्लांटेड टैंक में इन लोग का कलर आता है इसलिए प्लांटेड टैंक में रखना इन लोग को सही होगा और गाइस नंबर फाइव में जो है वो है सिल्वर एपोलो ये जो शार्क स्पीसीस है ये बेसिकली पूरा सिल्वर कलर का देखने होता है बहुत मतलब सिल्वर शार्क जैसा बोल सकते हैं इसका जो सिल्वर कलर है बहुत ही शाइनी होता है और ये जो है लगभग 12 टू तो 13 इयर्स तक आराम से जीलेगा मैक्स टू तो मैक्स तो वन फिट तक जाएगा उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा और गाइस पाँच तो शार्क तो बोल दे इन का मैं अप्रॉक्स प्राइस भी बता देता हूँ सो गाइस इसका पहला जो है सिल्वर शार्क इसका प्राइस जो है छोटा वाला जो है लगभग अभी हम लोग का जगह पे 80 टू तो 90 रुपीस पेयर तक, तो तक जा रहा है और बड़ा लेंगे तो साढ़े सात सौ साढ़े आठ सौ रुपया जोरा तक जा रहा है आईडी शर्ट का बात करूं तो जो नॉर्मल होता है थर्टी टू फोर्टी तो रुपीज पेयर जा रहा है और अगर एल्बाइनो लेंगे तो दस रुपया ज्यादा ही पड़ जाएगा फिफ्टी टू तो सिक्सटी रुपीज पेयर ऐसा जाएगा हाईफिन का अगर बात करूं तो 120 से वन फिफ्टी तक पेयर जा रहा है छोटा वाला बड़ा लेंगे तो फिर से प्राइस डिफर करेगा बड़ा का जो है उसका प्राइस मेरे को उतना अच्छा आइडिया नहीं है कभी बड़ा मैं वैसे सेल होते हुए नहीं देखा हूं रेनबो शर्ट का जो प्राइस है लगभग फोर्टी रुपीज जा रहा है पेयर और अगर अल्बाइनो लेंगे तो फिफ्टी टू सिक्सटी रुपीज़ पेयर तक चला जाएगा छोटा वाला और एट सिल्वर अपोलो शार्क जो है वो भी लगभग एट्टी टू हंड्रेड या फिर वन ट्वेंटी रुपीज़ पेयर तक जा रहा है छोटा देखिए बड़ा जो होता है बहुत ही कम सेल होता है क्योंकि बड़ा लेना नहीं जाता है बेसिकली मैं कौन सा बड़ा फिश देखा उस सेल हो रहा है शार्क में जो कि है सिल्वर शार्क क्योंकि सिल्वर शार्क जितना बड़ा होता है उसका जो आ, चमक है ना बॉडी में सिल्वर कलर का बहुत ही एनहांस होने लगता है और मैं जो देखा हूँ बड़ा सेल होने में वो है आईडी डी शार्क आई शार्क भी बड़ा बड़ा कभी सेल हो जाता है मैं एक बार स्टोर में देखा था मतलब वन फीट या वन पॉइंट फाइव फीट का एक आईडी डी सर्क सेल हो रहा है सिर्फ चालीस रुपया में फोर्टी रुपीज में सोच सकते हैं आप लोग मतलब जो सेल किया होगा वो मतलब मजबूरी में किया होगा कि वो रुड़क नहीं पा रहा है इसीलिए बहुत ही कम कॉस्ट में छोड़ दिया उसके बाद जो शॉपकीपर है वो थोड़ा और प्रॉफिट लगा के सेल कर तो फोर्टी में मिल रहा था सो so, गाइस ये बेसिकली प्राइस लिस्ट है टैंकमेट भी बता दिया उसके बाद और भी डिटेल्स बता दी इन लोग का सो so गाइस आप लोग का इनमें से पांच में से कौन सा फेवरेट है मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं इन लोग का जो है पॉइंट नहीं लगेगा एक्वरियम में लाइफ टाइम के लिए लग सकते हैं अप्रॉक्स एक्विडियम साइज 4.5 फीट तक हो जाएगा देखिए इतना भी नहीं लगेगा एक ही शार्क के लिए 4.5 फीट लगेगा जो कि आईडी शार्क आईडी शार्क थोड़ा बहुत बड़ा होता है पर सिल्वर शार्क जो है लगभग 1.2 फीट जाता है हाई फिन भी 1 फीट 1.2 ऐसा चला जाता है रेनबो 1 फीट तो नहीं बोलूंगा 10 इंच तक जाता है और सिल्वर अपोलो जो है वो भी लगभग वन फिट जाता है तो थ्री फिट टैंक इनके लिए एकदम परफेक्ट है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा सो गाइस ये था आज का वीडियो 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 अच्छा लगे तो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए और गाइस कल बर्ड अपडेट आ रहा है थोड़ा दुख का खबर है थोड़ा खुश का भी खबर है क्योंकि गाइस मेरा बर्ड लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक बेबी स्टिक आई डोंट नो क्या होगा कैसे हो गया वो भी मेरे को नहीं पता सो गाइस उसके लिए कल बने रहना मेरे चैनल में सो गाइस सब्सक्राइब करके रखिए आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बस यही था आज का वीडियो वीडियो आज का यही पर हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो